प्यार हुआ तार तार, साथ जीने और मरने की कसम खाने वाला प्रेमी बना कातिल। उस वक्त देखने को मिला जब 23 जनवरी से गायब सेंट्रल सौंदा की रहने वाली युवती का शव एक बंद पड़े बोड़े में नग्न अवस्था में मिला। मानवता की सारी हदें पार करते हुए उसका प्रेमी अपने ही प्रेमिका का निर्मम हत्या कर भुरकुंडा थाना क्षेत्र स्थित बंद पड़े खदान के पोखरिया में युवती के शव को बोरे में फेंक दिया। यह बात तब उजागर हुई जब प्रेमी की निशानदेही पर लड़की का शव को बरामद किया गया। क्या घटना है, 23 तारीख को एक बबीता कुमारी नाम की लड़की गायब हुई थी और कहीं अपहरण का शंका देखते हुए थाना में आई उनके परिवार लोग, उनको देखते हुए हम लोग जो है सो FIR दर्ज किया और अनुसंधान खोजने की प्रयास किया। इस दिन के बाद में उसी रात में उसका जो प्रेमी है राजेश कुमार साहु और राजेशवाल, ये दोनों मिल करके उसको ये गला दबा करके मार दिया और मार के उसको जो मैंस है उसके खदान में नीचे फेंक दिया था, जिससे पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई, जहां युवती सारा घर परिवार छोड़कर नया जीवन जीने के लिए अपने प्रेमी के संग फरार हुई, मगर प्रेमी ही उसका हत्यारा बना। फिर एक बार भुरकुंडा थाना क्षेत्र में प्रेम हुआ कलंकित। भुरकुंडा की इस युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की संभावना जताई जा रही है, वहीं उसके प्रेमी और उसके सहयोगी के द्वारा उसकी हत्या कर दी गई। 23 जनवरी से गायब सेंट्रल सौंदा की बबीता के शव मिलने के बाद भुरकुंडा पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों की गिरफ्तारी को लेकर आज भुरकुंडा थाना में प्रेस वार्ता की गई। इस संबंध में मुख्यालय DSP वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि लिखित आवेदन द्वारा छानबीन कर अनुसंधान में पता चला कि उसकी हत्या उसके ही प्रेमी और उसके सहयोगी के द्वारा की गई। चला गया तो पूछताछ के क्रम में वो बताया कि 23 तारीख को ही उसकी हत्या कर दी गई थी एक सोनू जायसवाल के साथ मिलकर के, और उसका डेड बॉडी जो है एक नंबर क्वारी में गिरा मैंने फेंक दिया गया है। तो उसके बयान के आधार पर हम लोग वहाँ गए, काफ़ी खोजबीन की। खोजबीन के क्रम में ही करीब 6 बजे के आसपास कल का डेड बॉडी भी कवर किया।